कॉर्बेट पार्क के साइलेंट जोन में रिजॉर्ट स्वामी को साउंड बजाना पड़ा भारी। कॉर्बेट प्रशासन ने भेजा नोटिस। कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत पड़ने वाले ढिकुली जोन में तय सीमा से ज्यादा आवाज में साउंड चलाने पर कॉर्बेट प्रशासन ने दो रिजॉर्ट को नोटिस भेजे हैं। बता दें कि कॉर्बेट प्रशासन ने रिजॉर्टों पर तय सीमा से ज्यादा आवाज में साउंड बजाने पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत पड़ने वाले इको सेंसिटिव जोन में 40 डेसिबल से ऊपर की आवाज में गाने नहीं बजा सकते, क्योंकि ये वन बाहुल्य क्षेत्र है। इस विषय में जानकारी देते हुए पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि हमारी कॉर्बेट पार्क की सर्फदुली रेंज की रोज की तरह गश्त पर थी, जिस दौरान उन्हें सूचना मिली कि दो रिजॉर्ट द्वारा तय सीमा से ज्यादा आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं। सूचना पर हमारी टीम ने मौके पर निरीक्षण किया तो सत्यता पाई गई। उन्होंने कहा कि इस क्रम में हमारे द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की धारा 3(2) के अंतर्गत साइलेंट जोन में शोर करने और साउंड बजाने पर नोटिस भेजा गया है। पार्क वार्डन ने कहा कि इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा के बाहर के 500 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन घोषित किया गया है, और इन क्षेत्रों में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज में गाने बजाने पर कॉर्बेट प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। वहीं शासन द्वारा इन रिजॉर्ट स्वामियों को साउंड प्रूफ हॉल बनाने के लेकर पूर्व में निर्देश भी दिए गए थे, पर अभी तक कितने रिजॉर्ट में साउंड प्रूफ हॉल है ये तो प्रशासन की टीम की जाँच के बाद ही सामने आएगा। हाँ जी, हमारी जो सरदुली रेंज की टीम है उसके द्वारा रात्रि में जब गश्त की जा रही थी तो पाया गया कि दो रिजॉर्ट्स हैं ढिकुली क्षेत्र के, उसमें जो तय सीमा है उससे ज़्यादा साउंड उनके द्वारा बजाई जा रही थी। इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा वहां पर निरीक्षण किया गया, वास्तव में मौके पर ही सत्यता पाई गई। तो इस क्रम में दोनों रिजॉर्ट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और नियमानुसार उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।